कुक्षी में जनता ने दिया परिवर्तन का जनादेश, नगर परिषद पर कांग्रेस का कब्जा। कुक्षी नगरीय निकाय चुनाव में कुक्षी की जनता ने परिवर्तन का जनादेश दिया है। सोमवार की हुई मतगणना में आए चौंकाने वाले नतीजों ने इस बार अपने परिवर्तन के मंसूबों पर सार्थकता की मुहर लगा दी है। इस बार परिवर्तन के साथ कुक्षी नगर परिषद पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। कांग्रेस को 8 व बीजेपी को 7 सीट मिली है। बात करें वार्ड में नतीजों की तो अनारक्षित वार्ड क्रमांक 1 में भाजपा के ललित राजेंद्र जैन, कांग्रेस से अब्दुल शाह, आप से शेखर रेवाल, निर्दलीय इकबाल हुसैन शाह प्रत्याशी थे, जिसमें से कांग्रेस के अब्दुल शाह 117 मतों से विजय हुए हैं। सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर वाले अनारक्षित वार्ड क्रमांक 2 में भाजपा के अगवान यूसुफ इस्लामुद्दीन व कांग्रेस से फिरोज मंसूरी प्रत्याशी थे। इस वार्ड में पंजे वाले कांग्रेस के प्रत्याशी फिरोज मंसूरी डबल पंजे 55 मतों से विजय हुए। अनारक्षित महिला वार्ड क्रमांक 3 में भाजपा से मायाबाई राजेश पाटीदार व कांग्रेस से सकुबाई अंबाराम और आप पार्टी से ज्योति संजय परसाई प्रत्याशी थे। इस वार्ड से भाजपा की प्रत्याशी मायाबाई राजेश पाटीदार की 70 मतों से जीत हुई है। अनारक्षित महिला वार्ड क्रमांक 4 में भारतीय जनता पार्टी से दुर्गाबाई देवराम पाटीदार व इंडियन नेशनल कांग्रेस से मनीषा वीरेंद्र गुप्ता प्रत्याशी थे। इस वार्ड से भाजपा की दुर्गा देवराम पाटीदार 232 मतों से विजय हुई। अनुसूचित जनजाति मुक्त वार्ड क्रमांक 5 में भारतीय जनता पार्टी से बघेल सुजीत, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पद्मा अजय सिंह व आम आदमी पार्टी से माधवलाल डावर प्रत्याशी थे। इस वार्ड से कांग्रेस की पद्मा अजय सिंह 107 मतों से विजय हुई। अनारक्षित मुक्त वार्ड क्रमांक 6 में भारतीय जनता पार्टी से अब्बास बोहरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस से शेख शब्बर हुसैन जीनवाला व आम आदमी पार्टी से मोहम्मद चुनावाला एवं निर्दलीय विवेक धारवाल प्रत्याशी थे। इस वार्ड से कांग्रेस के शब्बर हुसैन जीनवाला 295 मतों से विजय हुए। अनारक्षित महिला वार्ड क्रमांक 7 में भारतीय जनता पार्टी से ज्योति धर्मेंद्र कागव, इंडियन नेशनल कांग्रेस से फातिमा मोहम्मद प्रत्याशी थे। इस वार्ड से भाजपा की ज्योति काग 32 मतों से विजय हुई। अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त वार्ड क्रमांक 8 में भारतीय जनता पार्टी से मनीष सोनी व इंडियन नेशनल कांग्रेस से कनकमल सोनी प्रत्याशी थे। इस वार्ड से कांग्रेस के कनकमल सोनी 167 मतों से विजय हुए। अनुसूचित जनजाति महिला वार्ड क्रमांक 9 में भारतीय जनता पार्टी से रंगूबाई लक्ष्मण बघेल, इंडियन नेशनल कांग्रेस से सुंदरीबाई रामू व आम आदमी पार्टी से सीमा ओम प्रकाश प्रत्याशी थे। इस वार्ड से भाजपा की रंगूबाई लक्ष्मण 38 मतों से विजय हुई। अनुसूचित जाति मुक्त वार्ड क्रमांक 10 में भारतीय जनता पार्टी से विजय सितोले, इंडियन नेशनल कांग्रेस से जयंती लाल सामले, आम आदमी पार्टी से तेजकरण सरगरा, निर्दलीय दिनेश सालवी व निर्दलीय राकेश श्यामलाल प्रत्याशी थे। इस वार्ड से भाजपा के विजय सितोले 73 मतों से विजय हुए। अनारक्षित मुक्त वार्ड क्रमांक 11 में भारतीय जनता पार्टी से संजय भीमा सिरवी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से राजेश काग व निर्दलीय विशाल डांगी प्रत्याशी थे। इस वार्ड से भाजपा के संजय सिरवी 117 विजय हुए। अन्य पिछड़ा वर्ग महिला वार्ड क्रमांक 12 में भारतीय जनता पार्टी से कविता भावसार, इंडियन नेशनल कांग्रेस से अनिता कुंदन व आम आदमी पार्टी से नुसरत मंसूरी प्रत्याशी थी। इस वार्ड से कांग्रेस की अनिता कुंदन मिस्त्री 46 मतों से विजय हुई। अनारक्षित महिला वार्ड क्रमांक 13 में भारतीय जनता पार्टी से सारिका मनीष भावसार, इंडियन नेशनल कांग्रेस से सीमा हरीश सेन प्रत्याशी थी। इस वार्ड से कांग्रेस की सीमा हरीश सेन ने सबसे अधिक 374 मतों से विजय हुई। अनुसूचित जनजाति मुक्त वार्ड क्रमांक 14 में भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती रेलम चौहान, इंडियन नेशनल कांग्रेस से शिवकन्या सवाई सिंह, निर्दलीय कमला सुरेंद्र सिंह बघेल, निर्दलीय निर्मला कमलेश सोलंकी व निर्दलीय जामोद सुनीता प्रत्याशी थी। इस वार्ड से भाजपा की रेलम चौहान सबसे कम 13 मतों से विजय हुई। अनुसूचित जनजाति महिला वार्ड क्रमांक 15 में भारतीय जनता पार्टी से ताराबाई चेना, इंडियन नेशनल कांग्रेस से सुभद्रा अशोक कोदर, आम आदमी पार्टी से मधुबाई बघेल व निर्दलीय शकुंतला सोलंकी प्रत्याशी थी। इस वार्ड से कांग्रेस की सुभद्रा अशोक कोदर 218 मतों से विजय हुई। दोनों ही दल के विजय प्रत्याशियों ने नतीजों के बाद नगर व वार्ड में धूमधाम से भव्य विजय जुलूस निकाला। भाजपा की ओर से पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश धाड़ीवाल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र सिंह बघेल, लोकेश चौहान, ओपी पाटीदार आदि कार्यकर्ताओं ने मतगणना स्थल पर पहुंचकर विजय प्रत्याशी को बधाइयां दी।
कांग्रेस की ओर से विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल, अलीराजपुर विधायक मुकेश पटेल, राधेश्याम जिराती, राजेंद्र सिंह राठौर, संजय पांडे, जिया उल हक, सरफराज खान गब्बर, देवेंद्र जैन आदि कार्यकर्ताओं ने विजय प्रत्याशियों को बधाई देते हुए विजय जुलूस में शिरकत कर कुक्षी की जनता का आभार व्यक्त किया। कांग्रेस का विजय जुलूस कन्या स्कूल से प्रारंभ होकर विधायक कार्यालय तक बड़ी ही धूमधाम से निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में कार्यकर्ता और समर्थकों का हुजूम मौजूद था।